दोस्तों नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बागपत के इलाके में हूँ। मेरे पासर में देख रहे हैं ये कड़कनाथ मुर्गा है, और ये जो साहब यहाँ खड़े हुए हैं ये चौधरी साहब हैं और गन्ने की खेती करते हैं। पुश्तैनी काम इनका गन्ने का है। आप देख रहे हो मेरे पीछे सरसों और गन्ने की खेती हो रही है, और ये छोटा सा बगीचा, आप ये बगीचे को भी देख रहे हो, ये छोटा सा बगीचा है। इस बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, यानी एक एकड़ ज़मीन में ये बरसीम खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक सब्जी की खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये कड़कनाथ जो मुर्गा है, इन्होंने फार्म खोल रखा है, और किस तरह से आप भी यदि कड़कनाथ मुर्गे का फार्म बनाना चाहते हैं, बढ़िया लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो अंडा होता है बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, बहुत सारे गुण उसमें होते हैं, किस तरह से आप ये कारोबार कर सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। जी चौधरी साहब नमस्कार, हमारे दर्शकों जी नमस्कार। तो आपका सर पहले तो अपना परिचय बताइए, आप क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम आशीष मलिक है, गाँव पुसार है, जिला बागपत है। अच्छा आशीष जी, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मैं जी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं आप जी, तो ये क्या खेती किसानी होती रही है घर परिवार में? घर परिवार में हमारे यहाँ बेसिकली एरिया में पूरे में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा, और ये हमारा क्या है कि किसी ना किसी चीज़ का बाग बगीचा हम लोग लगाते रहते हैं हमारे अच्छा, परिवार अच्छा, में अच्छा, पहले अंगूर का बाग था, उसके बाद सभी तरह का एक बाग और लगाया, फिर केले का लगाया, उसके बाद ये लगाया, तो हमारा चलता रहा। धान अंगूर केला तब सब तरह की खेती किसानी करने के बाद आपने ये जो इस बगीचे में जो है ये कड़कनाथ मुर्गा फार्म शुरू किया, तो ये कब से आपने शुरू किया भाई साहब? ये अभी दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल चल रहा है। तो भाई साहब इसमें आपने कितने, आपके पास ये मुर्गे हैं इसमें इस समय? अभी हमारे पास ये 350 के करीब बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो है आपने जो है अब कितना लक्ष्य है, और किसी से और भी आप बड़ा करना चाहेंगे कि? जी जी बिल्कुल। हाँ। अभी सर्दियों की वजह से, सर्दी के मौसम की वजह से छोटे बच्चे का वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और मार्च के बाद छोटे बच्चे लाके और काम को बढ़ाएंगे। तो ये एक मुर्गी जो है कितना जो है आपको दे देती जी? है एक मुर्गी एक साल में 90 से 110 अंडे देती है, अगर आप अच्छी फीड और अच्छा उनका भरण पोषण करते हैं तो 90 से 110 अंडे तक हैं। अच्छा 90 से 110 अंडे देती है एक साल में एक मुर्गी। तो कड़कनाथ एक ऐसी नस्ल है जो बाकी सभी मुर्गे की नस्ल से अंडा जो है कम देती है, इसकी मुर्गी 3 दिन में एक अंडा देती है, तीसरे तीन दिन में अंडा देती है। तो लाभ महंगा तो जाता है अंडा इसका? महंगा जाता है जी, यहाँ पे 30-35 से लेके जैसे भी मतलब डिमांड या क्वांटिटी होती है। अच्छा, क्या खास बात होती है इसके अंडे में भाई साहब? इसके अंडे में, इसका अंडा जो है प्रोटीन वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है, इसमें 28% तक जो है प्रोटीन होता है। अच्छा अच्छा, और हमारे पास जो है वैल्यूएबल चीज ये है कि हम लोग जो इसको पूरा ऑर्गेनिक पैटर्न पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो इसमें ये हरा चारा है बरसीम है, वो पालक बोया हुआ उधर। अच्छा अच्छा, तो इसका आहार क्या है इसका? पालक हरा चारा घास है। अच्छा अच्छा, जैसा बताया जाता है कि इसकी फीड में जो है 50% वो है जी 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 हरा चारा है, और 50% जो है दाना आप डाल सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। तो हरे चारे में हमने इनके लिए बरसीम है, पालक है, और ये मक्खन घास है। अच्छा, इसके लिए बाड़ा बंदी कर रखी है आपने? बाड़ा बंदी की हुई है पूरा। हाँ, ये बाड़ा बंदी आपने इस तरह से कर रखी है, जाली से इसको। अच्छा अच्छा, तो जानवरों को खतरा तो है नहीं जब बाड़ा बंदी कर रखी है? कोई खतरा? तो ये 300 जो आपने कर रखे हैं हम देख रहे हैं आपका, ये आपने दड़वा बना रखा है, ये तो आपका खुले में चुग रहे हैं। ये काय का ये पौधा? ये चीकू का पौधा है जी। चीकू हो रहा है यहाँ? हाँ जी चीकू होता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी नस्ल का पेड़ है। अच्छा देखिए भाई साहब, ये चीकू है यहाँ किसान भाइयों, चीकू का पौधा इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है, और ये इनका बाड़ा है जहाँ पर ये मुर्गियाँ रात में रहती हैं ठंड के दिनों में। ये जी, है जी? जी, जी एक बड़ा तो ये आपका जी, यही है। एक और भी है क्या? वही एक है। वो उसमें कुछ हमने देसी बच्चे लाए थे। अच्छा अच्छा, देसी मुर्गे। अच्छा अच्छा, वो देसी उनका अलग है, वो दूसरा। अच्छा दूसरा है, यानी कितनी जगह में आपने कर लिया सर? आपने सोलर भी पैनल लगा रखे हैं लाइट वाइट के लिए? लगाया हुआ, अभी कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सोलर पैनल भी लगा रखे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बाकी नस्ल से मजबूत है। अच्छा अच्छा, इसमें मोर्टेलिटी की शिकायत नहीं आती है। हाँ हाँ हाँ, और तो ये चौधरी साहब कितना जगह चाहिए इसको लिए, इसको इसको किसको फार्म ये कड़कनाथ मुर्गी का फार्म? ये हमारा 10x50 का है। अच्छा 10x50 का एरिया, आ जी, आ जी, आ इसमें आ जाती है 300 मुर्गियाँ आराम से आ जाती है। अच्छा, तो आपने टिन उसके प्लास्टर पर इसकी टिन से डाला है ना, तो इसको क्या टेम्परेचर चाहिए रहन सहन के लिए, थोड़ा सा गर्मी सर्दी में इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बाकी सब नस्ल से बहुत ज़्यादा मजबूत नस्ल है जी, और इसको ज़्यादा इतना वो नहीं है, इसकी काफ़ी कैपेसिटी है गर्मी भी और नॉर्मल। तो एक जब मुर्गी 110 अंडे दे, हम 100 अंडे मान लेते हैं एक साल में जी जी जी, तो 100 अंडे हो गए एक मुर्गी कैपेसिटी हो गए भाई साहब? अभी ये तो 3500 रुपये के जी, 3500 रुपये के एक मुर्गी ने अंडे दे दिया, और 100 मुर्गियां ने दे दिया 35,000 का, 300 मुर्गियां ने 1,00,000 से आसपास 1,25,000 रुपए के अंडे दे दिए। हाँ जी हाँ जी, तो 1,25,000 रुपए एक साल में दिए जी इसने जी। तो इस पर खर्चा कितना रहता है? खर्चे है जी, बाकी तो जो फैक्ट्री फीड वगैरह डालते हैं उनका कम रहता है। हमारे पास जो है दाना आप दिखा दो,
अच्छा अच्छा, ये दाना, ये दाना खिला रहे हैं, फैक्ट्री फीड नहीं डालते। अच्छा, फैक्ट्री फीड नहीं खाते, देसी देसी दाना खिलाते हैं, खुद का अनाज मंगा के जी। ये जिसमें चना है, सोयाबीन है, बाजरा है। अच्छा, चना सोयाबीन बाजरा ये खिला रहे हैं। अच्छा, फैक्ट्री वाला नहीं खिला रहे जी। तो हमें जो है मार्जिन थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा जो हमने शुरू किया है ये थोड़ा सेहत के लिए, लोगों को सेहत ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। अच्छा, कितने लोग हैं इसमें देखभाल करने के लिए इसमें? बस हम तीन भाई हैं, लगे रहते हैं। अच्छा, तीनों भाई हैं? हाँ। अच्छा, ये तीनों सगे भाई हैं? नहीं, भाई। अच्छा, भाई ऐसे। अच्छा, तीन भाई। तो ये इसको कितने आदमी की आवश्यकता होती है? आप तो चलो हम जगह देखो जी, आदमी का ये है कि आपके बंदोबस्त के ऊपर है। अगर आप उसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो फिर एक आदमी भी काफी है। एक आदमी कर सकता है जहाँ जानवर की साइड में खेती किसानी कर रहे हैं, छोटा मोटा बगीचा, कोई फार्म है, तो आप इसमें इसे कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो है आप, अच्छा, इसकी बहुत सारी दिक्कत होती है तो यहीं से लोग ले जाते हैं बेचने के लिए? हमारा तो सब यहीं से चला जाता है। यहीं चला जाता है, क्योंकि हमारा जो है क्वालिटी की चीज है, सबको हमारे एरिया में सबको पता है। अच्छा, कि हम दाना अच्छा डालते हैं और इनका जो हरा चारा है वो भी सब अच्छा है, ऑर्गेनिक देसी तरीके से किया हुआ है पूरा, तो इसका जो बेनिफिट है वो अच्छे हैं, इसके लाभ हैं, अंडे का भी और मीट का भी, जो आके बताते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी काफी फायदेमंद है। तो किसका मुर्गे का जो मीट है वो किस भाव में चल जाता है? मुर्गे का मीट जी अब जगह जगह टाइमिंग के हिसाब से है, 800 रुपए से 1000 रुपए किलो तक चला जाता है इसका मीट। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये मुर्गी की लाइफ क्या होती है जी? मुर्गी की लाइफ पहले तो फीड के ऊपर है, आपके रख रखाव के ऊपर है, चार साल तक कोई दिक्कत नहीं। 4 साल तक अंडे देती है। और इसमें कैसे कुछ बीमारियां ऐसे लगती हैं तो किस तरह से आप इनका जिक्र करते हैं? इस नस्ल में कोई खास बीमारी होगा वो नहीं, कम बीमारी लगती है। अगर आप ठंड में सर्दी का, यानी आपने बच्चे पहले बच्चे पाले जाएंगे, आप कितने के चूजे टाइप के होते हैं, किस तरह से? हां जी, चूजे से भी शुरू कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, सर्दियों में नहीं, मार्च के महीने के बाद आप चूजे से शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, गर्मियों में तैयार होकर आपको सर्दियों तक अंडे देना शुरू कर जी, जी, जी। तो कितने दिन में ये आप इसका जो बच्चा लाते हैं? 5वें महीने में अंडा देना शुरू कर देती है। यानी जब लाते हैं वो कितने समय की होती है? वो तो एक दिन से, डे वन से मिलता है बच्चा। डे वन से मिलता है? क्या कॉस्ट में मिलता है? डे वन से मिलता है इसका बच्चा, वो भी मार्केट रेट है, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक भी जाता है। तो कोई खास बात जो इसको मुर्गी फार्म जो कड़कनाथ मुर्गी वो खोलना चाहता है, फार्म बनाना चाहता है, उसे कुछ अपने अनुभव से सलाह, वो संपर्क कर सकता है जी। छोटे बच्चे चाहिए, बड़े चाहिए, जैसे भी। और अच्छा, उपलब्ध भी करा देते हैं, बच्चे हमारा जितना भी सपोर्ट होगा हम उनको करेंगे। अच्छा, तो क्या सुन नाम? अच्छा, अपना नंबर बता दिए, किस नंबर? मेरा नंबर आशीष मलिक, मेरा नंबर है 9528818371, गांव पुसार। दोस्तों, आपने देखा, ये आशीष मलिक हैं, यानी चौधरी साहब हैं, गन्ने की खेती होती रही है, धान की और तरह की और कई तरह की इन्होंने खेती की है। उसके बाद ही अपने बगीचे में ये कड़कनाथ मुर्गी का फार्म खोल रखा है इन्होंने। और सारे हमने आपको गणित बता दिया, कैसे पैसे में बच्चा मिलेगा, कितने दिन में अंडा देगा, एक साल में मुर्गी कितने अंडे देगी। दोस्तों, आपको पूरी बात समझ में आ गई हो? फिर भी यदि आपको बच्चे चाहिए, अंडे चाहिए या और भी इस धंधे से संबंधित जानकारी चाहिए तो भाई आशीष मलिक से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आगे भी हम आपको इस तरह की वीडियो खाते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, उत्तर प्रदेश के बागपत से, नमस्कार।